कोरोना वायरस को लेकर भारत में दहशत का माहौल है। हर व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद करना चाहिए, ऐसी जानकारी डॉक्टर ऋचा जैन इन्होंने दी है। चीन के साथ साथ अन्य 30 देशों में भी कोरोना वायरस की चर्चाएं हैं। कोरोना के लक्षण कैसे पहचाना जाता है, इसके लिए मनपा ने इसकी सूची जारी की थी, जिसमें सर्दी, खांसी, गला बैठना, सांस लेने में तकलीफ, अचानक तीव्र बुखार आना, निमोनिया के संकेत, मूत्रपिंड निकामी होना तथा पाचन संस्था खराब होना आदि बताए गए। कोरोना वायरस यदि हमें नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है तो हमें हाथों की सफाई से लेकर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। सबने प्रिवेंशन लेना चाहिए, ऐसी जानकारी इन विशेष समक्ष डॉक्टर ऋचा जैन इन्होंने दी है। एक और शहर में कोरोना वायरस को लेकर जहां दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी ओर शहर के कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है जो कोरोना वायरस से दो हाथ करने के लिए और प्रिवेंशन के लिए दवाइयां भी देते हैं। इस समय मैम डॉक्टर ऋचा जैन मैम की तरफ आइए, उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है और उसके लिए क्या प्रिवेंशन उन्होंने किया। मैम ये बताइए कि जो जिस प्रकार से आज जो बवंडर जो मचा है कोरोना वायरस लोगों की जाने जा रही है ऐसा कहा जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे और लोगों ने किस प्रकार के प्रिवेंशन लेना चाहिए? कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि चाइना से सभी कंट्रियों में वायरस फैला हुआ है। लगभग आज देख रहे हैं कि पूरे लगभग इंटरनेशनल लेवल पे 30 से 35 कंट्री में ये वायरस जा चुका है। ये वायरस एक्चुअली जो इन्फेक्टेड होता है कि जो जिसको ये वायरस लगता है उनका लगभग रेस्पिरेटिंग सिस्टम मतलब लंग्स जो होता है वो 50% डैमेज हो जाता है और उस कंडीशन में ये होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इल हो जाता है और वो जो पेशेंट जिस भी चीज़ को टच करता है वो टच में वो वायरस लगभग 8 to 12 hours तक रहता है और यदि वो कपड़े में लगभग 9 hours तक ये वायरस रहता है। और इसमें प्रिवेंशन ये है कि यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि यदि वह लंबी सांस भरता है और सांस को रोकता है और सांस को रोक के वो यदि 10 सेकंड तक सांस को रोकने की कोशिश करता है और उस रोकने के टाइम में यदि उनको बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो उनको तुरंत अपनी एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए और उनको तुरंत कोई भी डॉक्टर से जाके पहले नॉर्मल आप ENT डॉक्टर से मिल सकते हैं। यदि उनको ऐसा कुछ लगता है कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल हॉस्पिटल में जो कोरोना वायरस के सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ जाके आप अपने आप को ज़रूर दिखा लें। और कभी भी आपको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी लग रही है, गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लग रहा है तो भी आप इसमें अपने आप को लेजीनेस नहीं दिखाएं क्योंकि एक छोटी सी आपकी मिस्टेक कल आप कोरोना वायरस से हो सकते हैं। पर ये इतना डेंजरस जितना माना जा रहा है उतना है नहीं क्योंकि अब ऐसी इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप इनिशियल स्टेज पे इसको कैच कर लेते हैं तो बहुत सारे पेशेंट चाइना में भी ठीक हो चुके हैं, बहुत सारे पेशेंट नागपुर में भी इंडिया में भी कंट्रोल किया जा रहा है। तो पर हमको प्रिवेंशन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमारी तरफ से जैन समाज को और बाकी सब समाज को होम्योपैथिक की एक रिसर्च है जैसे कि गाइडलाइन आई है होम्योपैथिक डिपार्टमेंट से, तो एक छोटा सा प्रिवेंशन इम्यूनिटी सिस्टम हमारा उसको प्रिवेंट करने के लिए होम्योपैथिक की एक डोज है जिसको 3-4 दिन आपको मॉर्निंग में 3 days बिल्कुल एम्प्टी स्टोमक लेना है। यदि वो डोज आप ले लेते हैं और बच्चों को 2-2 tablets दे दीजिए, बड़ों को 4-5 tablets देना है तो हम काफ़ी हद तक अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं। हमारे इन्फेक्शन को मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी की उसको बढ़ाइए तो ऑटोमेटिक आपको वायरस कम लगेगा। पब्लिक प्लेस में ज़्यादा मत जाइए, बाहर का ट्रेवल मत कीजिए। आउट ऑफ इंडिया यदि आप जा रहे हो और यदि आपका इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है तो थोड़े से दिन के लिए वो अपना बाहर का प्लान ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि हम सबको हमारे भारत देश पे आया हुआ ये वायरस से लड़ना है और हम सबको मिलकर साथ रह के पूरी दुनिया को पूरे विश्व को इस वायरस से बाहर करना है। केंद्र की सरकार 4 लाख दावे करे कि महिलाओं के जीवन संरक्षण के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है, लेकिन ये बात सरासर गलत है ऐसा डॉक्टर ऋचा जैन इनका कहना है क्योंकि इनकी जो बातें हैं ये महज कागजों के ऊपर में होती है लेकिन सही मायने में यदि देखा जाए तो महिला आज भी खुद को असुरक्षित महसूस करती है। ऐसे में एक और महिला जागतिक दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा तो दूसरी ओर महिला का जिस प्रकार से जो जीवन संवर्धन होना चाहिए वो न होते हुए उनके ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हुआ जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं इससे इसके ओर सरकार ने ध्यान देना चाहिए और सही मायने में जब तक हम महिलाओं के ऊपर में ध्यान नहीं देंगे उनका जीवन संवर्धन नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि देश आज़ाद भले ही 72 वर्ष हो चुके लेकिन महिला आज भी आज़ाद नहीं हुई है। अगर महिला आज़ाद होना चाहिए ऐसा लगता है तो सही मायने में बड़े कड़े नियम और केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए, यही समय की मांग है। डॉक्टर ऋचा जैन के क्लिनिक से संजय मीरे, NBC News नागपुर।